ये स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ये जो ये चैप्टर हमारा, ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा अब जो बी पार्ट है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है वो पोर्शन पढ़ने वाले। तो इसमें अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में क्यों लाए, क्या रीज़न था और रिफॉर्म्स होता क्या है। तो वेरी फर्स्ट लेट मी टेल यू के दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म रिफॉर्म। हम पढ़ते हैं तो रिफॉर्म क्या होता है, रिफॉर्म यानी कि रिफॉर्मुलेशन, यानी कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है उसको क्या करना, रीस्ट्रक्चर्ड करना, उसमें कुछ नए चेंजेस लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वुड बी नॉन एज रिफॉर्म। ठीक है, मीन्स रिफॉर्मुलेशन। सो व्हाट वर देयर, तो जनरली हमने देखा था कि जब 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस टाइम पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। तो हमने क्या सोचा, वी जस्ट थॉट कि हमको एक प्लानिंग कमीशन बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, प्लानिंग कमीशन विच वुड मेक 5-year प्लान्स। ठीक है, हमारी इकोनॉमी बहुत इम्बैलेंस कंडीशन में थी, प्रोडक्शन प्रॉपर था नहीं, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड वे में था, नेक्स्ट नंबर पे जो लोग थे वो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि हमको इकोनॉमी को एक स्टेबल पोजिशन में लाना है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर सब लेके चले गए थे, दिक्कतें हमारे पास थी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद अपन ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद अपन ने स्ट्रेटजी बनाई और हमने 5-year प्लान्स बनाना स्टार्ट किए। सो फॉर व्हाट वाज देयर, ये 5-5 ईयर का हम टारगेट फिक्स करेंगे, उसको अचीव करते जाएंगे और हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट इस तरीके से करेंगे। मींस पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अपन ने पहले तो फोकस किया प्राइमरी सेक्टर पे, फिर उसके बाद अपन ने सर्विस सेक्टर पे फोकस किया कि उनको कैसे बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, इन चीज़ों के ऊपर अपन ने वर्क किया था। कब किया था, प्लानिंग कमीशन वाला चैप्टर जो अपन ने लास्ट पढ़ा था उसमें अपन ने इसी का प्लानिंग कमीशन बनाई। उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखी। बट उसके बाद भी हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन थी 90 से 91 के बीच में, ठीक है, यानी कि जब उस टाइम के बीच में 90 से 91 तक के बीच का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर हमारी इकोनॉमी पॉलिसी सही नहीं चल रही थी। तो उस टाइम में क्या हुआ, तो द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज पुअर, दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मॉर्गेज 47.5 मेट्रिक टन गोल्ड विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड बैंक से उन्होंने क्या कर रखा था, गोल्ड ले रखा था इतने का, ठीक है, मॉर्गेज कर रखा था, यानी लोन की फॉर्म आप समझ सकते हो। तो दिस इज़ अ लाइबिलिटी, आपको अकाउंट्स में पड़ी रखा, ये आपके लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी अपनी कंट्री के लिए। इन सच अ कॉम्प्लेक्स एंड द क्रिटिकल सिचुएशन, अ मल्टी डायमेंशनल एंड द ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन वाज स्टार्टेड बाय देन फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इन 1991। अब यह है ध्यान रखने वाली बात, ये 1991 में हमारे फिनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी, अभी आपको पता है निर्मला सीतारमण है, ठीक है। तो उस टाइप के जो फिनेंस मिनिस्टर थे, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं उस टाइम में 1991 में, तो वो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाए और उन्होंने इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। सो द इमीडिएट टास्क वॉज टू सेव द नेशन फ्रॉम द रेटलेसनेस स्लाइड्स इन टू द एबीसी ऑफ दी फॉलिंग प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, उन्होंने सोचा कि हमारी इकोनॉमी तो सही चल नहीं रही है, तो हमारा ये जो प्रोडक्शन डिक्रीज है, हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, प्लस हमको हमारी इकोनॉमी को ऐसी ओपन इकोनॉमी बनाना है कि दूसरी कंट्रीज जो है, प्लस उसके साथ उसको लिबरल भी बनाना है, यानी इकोनॉमी के अंदर ट्रेड जो होता है वो लिबरल होना चाहिए, ऐसा थिंकिंग थी उनकी। और उन्होंने इस थिंकिंग के ऑब्जेक्ट से 90 से 91 तक के बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने पॉलिसीज बनाई इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की। इसके अंदर उन्होंने डीफॉर्मुलेट करी इकोनॉमी पॉलिसी। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है, अब ये मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू दोज मेजर्स एंड द रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स। रिफॉर्मेटिव मीन्स ऑलरेडी जो फॉर्म हो गए, दीज प्रोग्राम्स, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1991 विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लेवल एंड द लेवल ऑफ इफिशियंसी एंड द कम्पिटिटिवनेस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी हमको इकोनॉमी को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, प्रॉफिटेबल कंडीशन में लेके जाना है, तो 91 में जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई थी दीज वर द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या थे इकोनॉमी पॉलिसी को रिफॉर्मुलेट करने के, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट वॉज दैट कि कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स टू मेक द इंडियन इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव। सबसे सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्टेब्लिश करना है,
ठीक है। तो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था दैट यू शुड कम्पीट, आपको पूरे मार्केट के अंदर कम्पीट करना है, पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमी उसके साथ मर्ज होके कम्पीट करना है, यू हैव टू फाइट। तो ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास अच्छा प्रोडक्शन होगा, येस और नो। अगर मान लो एक शॉपकीपर है, उसके पास अच्छे गुड्स ही नहीं है, तो क्या उसके पास कंज्यूमर्स आएंगे? नहीं आएंगे। यानी वो कम्पीट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है उसके पास। तो यही चीज़ है, इंडियन इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव क्रिएट बनाना था। नेक्स्ट, टू मेक द प्रोडक्टिव यूनिट्स मोर एफिशिएंट एंड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, मींस वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। जस्ट अज्यूम हमारे पास लैंड है, तो अब लैंड के अंदर अच्छे फर्टिलाइजर, अच्छे सीड्स, इनका यूज़ करके उनको प्रोडक्टिव बनाओ। हमारे पास मशीन है, तो मशीन अभी 1000 की कैपेसिटी पे है, बट अपन 50% ही यूटिलाइज कर रहे, 500 यूनिट्स ही बना रहे पर डे, तो उसको पूरा फुल्ली एफिशिएंटली यूटिलाइज करो। ये उनका मेन ऑब्जेक्ट था। नेक्स्ट, टू इंश्योर एंड स्ट्रेंथन द पास्ट प्रॉफिट, जो भी हमारा पास्ट में प्रॉफिट हुआ उसको कंटिन्यू मेंटेन रखो। जैसे एक ईयर में कंपनी को प्रॉफिट आ गया 4 लाख रुपीज़ का, तो अगले ईयर कंपनी ने कहा चलो 1 लाख का ही अर्न कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको आपको कंटिन्यू मेंटेन करके रखना चाहिए, ऐसा उनका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मीन्स मनी टू मनी क्रिएट करना ऑब्जेक्ट था। टू यूटिलाइज ग्लोबल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन डेवलपमेंट, मतलब जो भी ग्लोबलाइज वे में हमको जो रिसोर्सेज मिले हमको उनको यूटिलाइज करना है। दीज वर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म। अब रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या जरूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की? तो वन इज फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो 1991 की पॉलिसी के पहले जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, तो हमारे जो पब्लिक सेक्टर था वो इतना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। दिस वॉज द रीज़न जिसके थ्रू हमको क्या करना पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके आना पड़ा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे, देयरफॉर द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 डिसाइडेड टू इम्प्रूव। अब आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को इम्प्रूव करना है, तो किस किस चीज़ों पे फोकस करना था, ये है। टू रिड्यूस गवर्नमेंट इक्विटी इन ऑल द नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू 26% एंड इवन लेस देन वेट मोस्ट एसेंशियल, मीन्स आपकी गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसके अंदर गवर्नमेंट अपनी इक्विटी यानी कि होल्डिंग जो है उसको डिक्रीज करना है। नेक्स्ट, टू रीस्ट्रक्चर एंड रीफॉर्म द इकोनॉमिक वियेबल अंडरटेकिंग, सो वट एवर वुड बी योर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उसके अंदर इसको आप क्या करो, रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपने सुना होगा स्टूडेंट, रीस्ट्रक्चर ऑफ लोन सुना होगा जो फार्मर लोगों के अपनी गवर्नमेंट करती है। क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो हम क्या करो उसके अंदर जो फालतू की चीज़ें, जैसे कोई उनके जो अकाउंट हैं जो काम के नहीं, उनको रीस्ट्रक्चर कर दो, उनकी बैलेंस शीट को रीफॉर्मुलेट करो। ये कैसे होता है, तो ये पॉसिबल होता है जो अननेसेसरी एसेट्स जो कोई वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्प नहीं कर रहे उनको हटा दो, जो अननेसेसरी लाइबिलिटीज़ है उनको हटा दो, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वेस्टेज वाली चीज़ें उनको हटा दो और उसको रीस्ट्रक्चर एक नया फॉर्मुलेट करके दे दो। ठीक है, आगे, टू क्लोज द अंडरटेकिंग विच डू नॉट बी रिफॉर्म, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म में नहीं आ रही उनको ऑर्गेनाइजेशन को ही क्लोज कर दो। यानी बेसिकली उनका मेन ऑब्जेक्ट था कि सब कुछ अच्छा कर दो। ठीक है, टू फुल्ली सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर नॉट सेविंग या फिर इफ़ यू आर नॉट सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ योर एम्प्लॉयज, देन हाउ वुड यू गेट द वर्क डन। ठीक है, अगर आप अपने एम्प्लॉय को सेव नहीं करोगे तो आपके एम्प्लॉयज आपको काम करके नहीं देंगे। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम हो गई थी कि आपको उनको सेव करके रखना है, उनको इनके इंटरेस्ट को सेव करके रखो, इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, उनको जॉब सिक्योरिटीज दो, तो वो एफिशिएंट लेवल पे वर्क करेंगे। टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स जस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन सम टाइप ऑफ कैपिटल। आप क्या करते हो, जब अब तक कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो कैपिटल में, यानी आपकी साइड से कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी आपने कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो यू आर गेटिंग द रिटर्न। बट अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हो, डिसइन्वेस्टमेंट वुड बी अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है। यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या बताएगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट हमको ये बताएगा कि अगर आपने कहीं पे होल्डिंग कर रखी है तो उसको रिड्यूस कर दो, उसके शेयर को क्या कर दो, रिड्यूस। जस्ट रिज्यूम आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, तो इट वुड बी योर इन्वेस्टमेंट, बट आप अपने उस शेयर को सेल कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप अपनी पोर्शन को लिक्विडेट कर दो। आगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट, तो व्हाट वर द रीज़न कि इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो क्या चल रहा था, डेफिशिट में चल रहा था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक, जैसे हम बात करते हैं ना, आपने बैलेंस शीट सीखी है, तो एक फर्म की बैलेंस शीट होती है और एक होती है हमारी कंट्री की बैलेंस शीट। ठीक है, काय की बैलेंस शीट, कंट्री की। तो हमारी कंट्री की जो बैलेंस शीट होती है, सिंपल वर्ड्स में अपन उसको बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो था वो डेफिशिट में था, यानी कि हमने बोरो ज़्यादा कर लिया था बट हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उनको दे पाए,
ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उस दिक्कत को आपको सॉल्व करना है कि आपने जो बोरो कर रखा है उसको आप सबसे पहले क्या करो, रिटर्न पे रीपे करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और क्या करो, कैसे रीपे करोगे, तो जब आपके पास पैसे होंगे तब रीपे करोगे। पैसे होंगे कब, जब आप प्रोडक्शन करके सोल्व करोगे अपने गुड्स को। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन होगा तो अपना गुड्स बाहर जाएगा, सोल्ड होगा, सोल्ड होगा तो करेंसी आएगी, करेंसी आएगी तो अपन ने जो लोन लिया वो रीपे करेंगे। सिंपल सी बात है, उनका लॉजिक था। आगे डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता था उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये कि हमारा जो रिजर्व था उसके अंदर कम रुपए थे सेव। तो यानी कि जब भी हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो या इंडिया की जो करेंसी हो रही थी वो डिवेल्यूएट हो रही थी या डिक्रीज होती जा रही थी, तो उसका एडजस्ट करने के लिए हमको या उसको अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए क्या होते जा रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही थी। तो हमको जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जो डिक्रीज था उसको पॉजिटिव के फॉर्म में लेके आना, उसको इंक्रीज करना। आगे पॉइंट हमको ये बोलता है इंक्रीज़ इन द लॉस ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जो भी हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग थी वो लॉस के अंदर चल रही थी, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि देवर इन द कंडीशन ऑफ लॉस, ठीक है। तो उसको हमको सॉर्ट आउट करना है, उनको लॉस को हटाना है, ये काम था। नेक्स्ट वुड बी चेंज इन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। सो वट एवर वुड बी आर इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर यू नीड टू चेंज इट। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू हमने हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को क्या करा था, चेंज, यानी ड्यू टू इंक्रीज द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, जो इन्फ्लेशन आते जा रहा था मार्केट में, या फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो डायरेक्ट डाइवर्ट हो रहा था प्रोडक्शन से लग्जरी गुड्स से। आपको पता है आपके पास दो टाइप के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो इफ़ यू आर डूइंग अ प्रोडक्शन ऑफ ओनली कैपिटल गुड्स देन आप इकोनॉमी में सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड टू प्रोड्यूस एसेंशियल कमोडिटी ऑल्सो, है ना। सिर्फ कंट्री में कार बनते रहेगी तो उससे काम नहीं चलेगा, हमको व्हीट ग्रेन का, राइस का, पल्सेस का भी प्रोडक्शन करना है, क्योंकि हमको अर्निंग तो वहीं से होने वाली, क्योंकि सब लोग कार नहीं खरीदेंगे, बट सब लोग व्हीट ग्रेन राइस ये सब परचेस करेंगे। तो अपन को सोर्स जो है वो चेंज करना पड़ेगा प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, इनेबलिंग इंडस्ट्री टू इंडिया टू फेस फॉरेन कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉम्पिटिशन। तो हमको क्या करना है, हमारी इंडस्ट्री को इतना केपेबल बनाना है सो दैट दे कैन कम्पीट फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था, इसके अंदर हमको डेवलपमेंट लाना था। नेक्स्ट, एक्सेस टाइट डेप्स, ठीक है, एक्सेस टाइट डेप्स, यानी कि हम लोग क्या हो रहे थे, डेप्स जो है वो हमारी इंक्रीज होती रहती थी। टू थर्ड ऑफ पार्ट ऑफ द फिनेंस हेल्प बाय दी अब्रॉड, ठीक है, वाज इन द फॉर्म ऑफ टाइट डेप्स, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी में जो फिनेंशियल पोजीशन थी वो ऐसी थी कि हमारी जो डेप्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो टाइट डेप्स होता क्या, पहले समझते, तो टाइट डेप्स मीन्स दैट द यूज ऑफ द डेप्स विल बी यूज ओनली फॉर दैट पर्सन फॉर विच स्पेशली टेकन। इट मीन्स इंडिया कुड नॉट यूज द फॉरेन अकॉर्डिंग टू हर चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो टाइट डेप्स ऐसा कि जब अगर आपको किसी ने कोई स्पेशल पर्पस, ये यहाँ पे हम बात कर सकते हैं स्पेशल पर्पस लोन, जैसे कि अगर मान लो आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, मैं आपको इकोनॉमी नहीं, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती पहले, ठीक है। आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो जो भी आपको अमाउंट मिला है, इशू हुआ है, ग्रांट हुआ है, आप उसको यूज़ हाउस डेवलपमेंट में ही करोगे, बट अगर आप उसे अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर रहे हो तो इट्स स्ट्रॉन्ग ना। तो यही चीज़ हो रही थी इंडियन इकोनॉमी के साथ। तो इंडिया जो है उसके अंदर टाइट डेप्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, मींस हमारी स्पेशल पर्पस जो ग्रांट होती थी या स्पेशल पर्पस जो लोन थे हमको उसी के अंदर यूटिलाइज करना पड़ता था, और वहाँ से अपन को आउटकम आ नहीं रहा था, तो ये दिक्कत हो रही थी। तो हमने रिफॉर्म करना सोचा। फॉलिंग इन लेवल स्टैंडर्ड ऑफ जनरल पब्लिक, जनरली हमारा आप देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ऐसे मेजर होता है तो पर कैपिटा इनकम से, ठीक है। अब आपको पता है अपनी नेशनल इनकम तो डिक्रीज़ हो रही थी तो ऑटोमेटिकली पर कैपिटा इनकम भी क्या हो रही थी, डिक्रीज़, क्योंकि पॉपुलेशन तो कंटिन्यूस इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो ये बताता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो क्या होता जा रहा था, डिक्रीज, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बताने के लिए एक पैरामीटर जो होता है वो होता है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो एज इट वाज डिक्रीजिंग तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज होती जा रही थी। नेक्स्ट, गल्फ क्राइसिस। तो द गल्फ क्राइसिस इन 1991 गेव राइजेस टू द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, यानी आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो पेट्रोलियम का होता है या पेट्रोल का होता है, तो हमको वहाँ से हाई रेट्स के ऊपर क्या करना पड़ता था, परचेस करना पड़ता था। तो इससे बेसिकली क्या होता जा रहा था, इट अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी एडवर्सली, इससे इंडियन इकोनॉमी को एडवर्स इफेक्ट होता है, बिकॉज इट हैड टू पे मोर ऑफ द इंपोर्टिंग पेट्रोल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, जैसा मैंने आपको बोला। तो अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिकम अनफेवरेबल, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता जा रहा था, अनफेवरेबल, क्योंकि हमको पेट्रोल परचेस करना ही है, वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है, बट वो हाई प्राइसेस पे परचेस करना पड़ रहा था क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ के अंदर ही प्रोडक्शन हो रहा था उसका, या प्रोडक्शन वहीं पे होता है ये बोल सकते हैं। तो ये रीज़न था कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है BOP वो भी क्या होता जा रहा था, अनफेवरेबल, ठीक है। फिस्कल डिफिशिट, फिस्कल डिफिशिट यानी कि हमारी ये जो एक्सपेंसेस जो थे, फिस्कल डिफिशिट पहली चीज़ ये होता क्या है, तो जब व्हेन आवर एक्सपेंसेस आर मोर एंड योर इनकम्स आर लेस देन इट गिव राइजेस टू फिस्कल डिफिशिट। तो जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो आपको पता है कि गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसके अंदर क्या होता है,
हमको डिसाइड करना पड़ता है दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर अस, हमारे के लिए कौन से सोर्सेज होंगे रेवेन्यू के लिए। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर फिस्कल डेफिसिट हो रहा था, मीन्स रेवेन्यू तो कम जनरेट हुआ था बट एक्सपेंडिचर हमको ज़्यादा करना पड़ रहा था। इट गिव राइजेस टू रिफॉर्म्स, नेक्स्ट वुड बी द इंक्रीज इन प्राइस लेवल। सिंपली बात है कि आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा था राइट फ्रॉम 1956 टू 1991, जो जनरल प्राइस लेवल कॉन्ट्रीब्यूट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। हमारे पास नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होते जा रहे थे, एक्सपेंडिचर एंड एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उन्हीं के ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो क्या होता जा रहा था, प्रॉब्लम ये हो गई कि द लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एबनॉर्मली राइजेज इन द प्राइस ड्यू टू द इंक्रीज इन द, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन जो है हमारी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी बट प्राइजेज इससे ऑटोमेटिकली क्या हो रहे थे, राइज हो रहे थे। हम एक्सपेंडिचर तो कर रहे थे बट हमारा आउटपुट इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो ऑल ऑफ दी पॉइंट विच आर गिवन देयर, मीन्स अबाउट जो भी पॉइंट थे वो सब हमको बताते हैं कि व्हाट वर द रीज़न बिहाइंड रिफॉर्म्स ऑफ इकनॉमी। ठीक है, इकनॉमी के अंदर हमको रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये रीज़न के पॉइंट थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकनॉमिक रिफॉर्म, तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो वन वुड बी स्ट्रक्चर मेज़र और नेक्स्ट होता है स्टेबलाइजेशन मेज़र। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चर मेज़र और एक होता है स्टेबलाइजेशन मेज़र्स। तो स्ट्रक्चर मेजर्स की फॉर्म में आता है रिफॉर्म्स विद रिगार्डिंग टू ट्रेड टेक्नोलॉजी इनसे रिलेटेड, रिफॉर्म विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फाइनेंशियल रिफॉर्म से रिलेटेड। और स्टेबलाइजेशन के अंदर हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरल मॉनिटरी पॉलिसीज बाय रिड्यूसिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, आप लिबरली पॉलिसी को फॉलो करो। ठीक है, जो क्या हो स्टेबलाइज्ड वे में हो, यानी स्ट्रक्चर्ड वे प्लस एक स्टेबलाइजेशन यानी कंटिन्यूटी आप उसको मेंटेन कर सको। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज, फिस्कल पॉलिसीज जो थी उन सबको चेंजेस करते जाओ और उसके थ्रू क्या करो बेनिफिट गेन करो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी उसके अंदर क्या क्या था। ठीक है, जो स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इसमें अपन पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। थैंक यू।